Hello, everyone, welcome or welcome back to this channel Style with Shivani, where I talk about lifestyle, fashion, and beauty. So, first of all, I'm so sorry for posting this video very late. So, if you all are new here, please do subscribe to my channel. Also, press the bell icon for more updates. सो एज़ यू कैन सी ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है सीधे पार्लर से मैंने इसका कुछ इंट्रो नहीं बनाया है टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो तनिष्क ज्वेलरी शूट पे है तो यहाँ पे हो रहा है मेरा मेकअप पहले देख रखा आप लोगों ने क्लेंजर हो गया और यहाँ पे हो रहा है बेस रेडी तो टोनर और वो सब के बाद तो काफ़ी डिटेल्स में मैं ये मेकअप नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि बेसिकली मैं शूट का वीडियो दिखा रही हूँ दिस इज ऑल्सो दल्सो द पार्ट ऑफ द शूट क्योंकि मैं स्पेशली मेकअप कराने आई हूँ फॉर द शूट ओनली सो सो जो लोग मुझे पहले से इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो लोग जानते होंगे मैंने कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ वहाँ अपलोड किया था एज अ रील एंड सम पोस्ट ऑल्सो मैं तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकती हैं यहाँ मेरा मेकअप आप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है देख सकती हैं आप पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। बट हेयर uh, को थोड़ा कॉम करना है और uh, वहाँ मुझे तनिष्क से कॉल आया था फॉर दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट उन्होंने अपने किन्हीं कस्टमर को किन्हीं किन्हीं कस्टमर को प्रेफरेंस दे रहे थे टू यू नो शूट ऑफ द ज्वेलरी विच इज़ रिवाह बाय तनिष्क तो बेसिकली ये ब्राइडल जवलरीज है आप चेक कर सकते कलेक्शन ऐप uh, पे या फिर तनिष्क विजिट करके तो यहाँ देखिए हम लोग तनिष्क पहुँच गए हैं मेकअप कराने के बाद पार्लर से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए हैं कैब से और यहाँ पे आ, फ्रेजर रोड हम लोग पहुँच गए आप देख सकते हैं सेंशल मॉल के जो बगल में हैं वहाँ वाले तो एज़ यू कैन सी अंदर काफ़ी भीड़ है मतलब यहाँ यूजअली इतना रहता ही है भीड़ और अभी शूट चल रहा था वन वीक से शूट के लिए मुझे कॉल आया था तो मैंने फोर्थ ऑफ दिसंबर को आ, वहाँ विजिट किया था आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म है मुझे मिल गया है आ, कि जैसे नेम हो गया एज हो गया वाई डू यू थिंक तनिष्क इज़ गुड एंड रिवाह बाय तनिष्क को लेकर आपका क्या ख्याल है नहीं ये सब तो साइन वगैरह करने के बाद फॉर्म्स फिल करने के बाद हम यहाँ रेडी हैं आप देख सकते हैं और तनिष्क में उस साइड जो है आप पीछे देख सकते हैं वहाँ शूट चल रहा है काफ़ी लोगों का शूट मतलब ऑलरेडी चल रहा था और मैं संडे को गई थी और दो दिन पहले मुझे कॉल आया था दो या तीन दिन मे बी फर्स्ट या सेकेंड दिसंबर को तो ऑब्वियसली मैं संडे को फ्री थी तो संडे या याटरडे आई डोंट रिमेंबर फोर्थ ऑफ दिसंबर को uh, मैंने वहाँ विजिट किया था तो uh, काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस एंड तनिष्क बीन माय फेवरेट सो आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड एंड नाइस टू शूट शूट एंड टू वेयर दैट जूलरीज़ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पर मैं आ गई हूँ यहाँ पर जो ज्लरीज है मुझे मिलेंगी यहाँ पर शूट के लिए तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि आ, ये लोग दे रही हैं जो कि सारा रिवाह का ही है रिवाह बाई तनिष्क विच इज़ न्यूली लॉन्च मतलब बहुत ज़्यादा भी न्यू नहीं आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक चोकर काइंड ऑफ नेकललेस जो कि है छोटा वाला वो मैं पहले से पहन रखी हूँ और ये लॉन्ग सेट ये मुझे पहना रही हैं तो काफ़ी अच्छा ज्वेलरी था काफ़ी अच्छा था ज्वेलरी ये लॉन्ग सेट अच्छा लग रहा है और आ, हेवी है क्योंकि ये स्पेशली ब्राइडल के लिए ही ये कलेक्शन जो रवा है वो है तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे झुमका जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये वाला इयर मुझे मिलने आ, मुझे मिला है पहन के शूट करने के लिए तो आप आगे वीडियो में देखते रहिएगा कि क्या क्या ज्वेलरी मुझे मिलता है फॉर द शूट और यहाँ पे मैंने इयर पहन रखा है पहन लिया है तो मेकअप चूँकि मेरा ऑलरेडी डन था और बैंगल आप देख सकते दोनों में ऑल दो अलग अलग हैं क्योंकि वैसे ही मुझे मिले थे तो ये हो गया और यहाँ पर टीका मुझे पहनाया जा रहा है तो काफ़ी अच्छा था मतलब मुझे वैसा लुक ही क्रिएट करना था और वैसा शूट ही था तो काफ़ी अच्छा था और हाँ एक चीज़ यहाँ पे मेरा मेकअप बहुत ही सटल था बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप था नो डाउट बट वहाँ पे मुझे बोला गया कि लिपस्टिक आप थोड़ा सा डार्क कर सकती हैं आपका मेकअप ऑल ऑलरेडी अच्छा है तो यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट आ रखी थी यहाँ पर मुझे वो बिंदी लगा रही है अब देख सकें क्योंकि फुल ब्राइडल लुक ही देना था मतलब वैसा नहीं हैवी नहीं बट हाँ ज्वेलरी के साथ थोड़ा सा यू नो इंडियन वो टच आना चाहिए वो बिंदी वगैरह तो यहाँ पे लिपस्टिक मेरा थोड़ा डार्क हो रहा है वहाँ मेकअप आर्ट पार्लर में मैंने खुद कहा था कि पीची न्यूट कलर का लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क आई डोंट थिंक उस मेकअप पर अच्छा लगता बट ठीक है यहाँ शूट के लिए थोड़ा सा डार्क मैंने बोला कि ठीक है पिंक कर दीजिए तो वहाँ हो रहा है और मैं बता दूँ कि पहले से मुझे बोला गया था कि मेकअप आर्टिस्ट वहाँ नहीं होंगी उसी आई थी बट मैंने मेकअप कराया था और मेरा मेकअप से आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आया था मुझे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए था लाइट ही चाहिए था तो ये रहा आ, मेरा लुक जो आगे आप देख खेंगे वीडियो में और लिपस्टिक ये थोड़ा डार्क कर रही हैं बस यही ऐड हुआ था वहाँ जाके और बाकी ज्वेलरीज आपने देखा कि मुझे क्या क्या मिला है तो यहाँ लिपस्टिक अप्लाई हो गया है मेरा थोड़ा सा डार्क पिंक था और यहाँ पे नत पहनाया जा, जा रहा है मतलब उन्होंने दिया है तो नत काफ़ी सुंदर था मतलब क्यूट था छोटा सा तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पर और यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और ये रिंग वॉज वेरी नाइस तो चार रिंग मुझे मिले बट तीन तीन ही मैंने लगाया क्योंकि तीन ही अच्छा लग रहा था तो ये वाला पीस वॉज़ वेरी एंटीक एंड वेरी नाइस आप देख सकते हो तो या आई आई एम रेडी फॉर द शूट और चलिए देख चलिए नीचे चलते हैं शूट नीचे ही चल रहा है और यहाँ पे सारा जो नोट डाउन हो रखा है नीचे पेपर में कि मुझे क्या क्या मिला है क्योंकि उसके बाद वो लोग ज्वेलरी टेक ऑफ कर लेंगे ले लेंगे तो यहाँ लोग नीचे आ गए जहाँ मेरा शूट होने वाला है और यही वो प्लेस है जहाँ सभी का शूट हो रहा था तो आई एम रेडी फॉर द शूट और चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे कुछ डिफरेंट पोजेस के साथ मेरा पूरा शूट हुआ कंप्लीट तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और आपने मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ फॉलो कीजिए क्योंकि मैंने रील्स बना के ऑलरेडी वहाँ अपलोड किया है और मैंने पिक्चर्स भी लगाए हैं जो कि फ़ोन का पिक्चर था वहाँ से पिक्चर ऑब्वियसली मिला नहीं है मुझे तो इंस्टाग्राम अकाउंट जो है मैं डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी और स्क्रीन पे यहाँ पे यूज़र नेम भी दिख रहा तो आप यू कैन सर्च एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं काफ़ी पोजेस के साथ uh, मेरा जो जेलरी शूट है वो कम्प्लीट हुआ था तो बेसिकली वहाँ पे एक कैमरामैन थे और एक फ़ोन से भी शूट हो रहा था तो और वहाँ पे फ़ोन में काफ़ी पोजेज़ भी था जो मुझे दिखाया जा रहा था आप देख सकते वीडियो में कि इस तरीके से पोज करना है और वो भी आ, ब्राइडल लुक ही था ज्वेलरी का ही था तो सैम्पल मुझे दिखाया जा रहा था उसके बाद काफ़ी शूट हुआ आपको इस वीडियो के एंड में दिखेगा मेरे कुछ फ़ोटोग्राफ्स तो आप वहाँ से देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते काफ़ी अपलोडेड भी है वहाँ पर तो डिफरेंट पोजेज़ आई थिंक सेवन एट टाइप का पोजेज़ हुआ तो ज़्यादा क्लिक्स ही हुआ था उसमें से कुछ ही सिलेक्ट होंगे और मैं बता दूँ कि ये काइंड ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट था गाइस और जहाँ खुद से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं वहाँ से कॉल आया था मुझे और बहुत लोगों को कॉल आया था शूट के लिए तो काफ़ी शूट वहाँ पे ऑलरेडी तीन चार उस दिन शूट हुआ था और दो तीन मेरे सामने आई थी और दो तीन ऑलरेडी शूट करा के जा रही थी मीन जब हम आए थे तो तो इसका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ में आएगा कि कौन लोग सिलेक्ट हुए हैं तो फिर जितने शोरूम्स हैं सारे जगह पे हुआ था शूट और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर का मैंने आ, मैं पोज दे रही हूँ उसके बाद रिंग का ये मैंने खुद से दिया था और कुछ कुछ पोजेज़ वो लोग बता रहे थे कुछ कुछ हम खुद से दे रहे थे तो इंस्टाग्राम पे रील्स भी और फोटोज़ भी है तो आप वहाँ ज़रूर देखिएगा और वीडियो के एंड में भी मैं फ़ोटोज़ में दिखाऊंगी आपको तो देखते रहिए और तो देख रहे हैं काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजेज यू नो और वहाँ पे मैं दू सेटअप भी बहुत ही सुंदर था आ, बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड था और साइड में आप देख सकते कुछ ऑर्नामेंट जो कि शादी में यूज होता है हमारे आ, इंडियन कल्चर में वो सब भी वहां रखा हुआ था और पीछे पोस्टर लगा था रिबाह बाई तनिष्क अजूल फॉर एवरी ट्रेडिशन सो वो सब था उसके बाद फिर आप यहाँ साइड में देख सकते हो कि काफी सुंदर सा क्यूट सा डेकोरेटेड है एंड एंड कुछ बैठ के पोजेस था कुछ खड़ा होके था तो आप देख सकते साइड में कुछ उनके सजेशन पे और कुछ हम खुद से ही अपना पोज दे रहे थे क्योंकि ज्वेलरी ही वहाँ पे शो करना था तो बैंगल्स और नथ और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी के साथ साथ तो डिफरेंट डिफरेंट पोजेज हुआ था और यहाँ पे हो गया है मेरा शूट कंप्लीट और हम लोग जा रहे ऊपर फॉर द टेक ऑफ द ज्वेलरी और यहाँ पर मुझे मिला है थोड़ा रिलैक्सेशन कॉफ़ी तो शूट अप्रॉक्स चला आ, शूट बेसिकली चला हाफ एन आवर के लिए ही अप्रॉक्स उसके बाद आ, उसके पहले थोड़ा प्रोसीजर करने में टाइम लग रहा था फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए तो यहाँ हम ज्वेलरी उतार के नीचे आ गए हैं आप देख सकते हैं सेटअप और यहाँ पे शूट हो रहा है किसी मॉडल का नहीं मम्मी और मामी थी वहाँ पे तो शॉल मैंने रख लिया थोड़ी ठंडी थी और उसके बाद ज्वेलरी शूट होने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा हो गया है ख़त्म और हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से आप देख सकते हैं सो so, मेरा शूट हो गया कंप्लीट और इसका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट मंथ जनवरी में विल बी वेटिंग फॉर दैट एंड कंप्लीट हो गया यहाँ पे मम्मी मामा मामी इन लोगों का कुछ डिस्कशन चल रहा है और यहाँ पे हम निकल रहे हैं लोग के साथ बाहर और चलेंगे रेस्टोरेंट में बगल के राजस्थान रेस्टोरेंट में तो जहाँ आपने पहले भी व्लॉग में देखा होगा था माई व्लॉग ब्लॉग जिसपे काफी अच्छा व्यूज गया है तो जरूर देखिएगा वो वीडियो मेरे चैनल पर बाबा तनिष्क तो यहाँ पे हम लोग जस्ट बगल में तनिष्क के बगल में जो राजस्थान होटल है जो कि प्योर वेज है तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं यू कैन सी जो कि जस्ट बगल में है फ्रेज़र रोड आप भी कभी विजिट कर सकते हैं आप देख लीजिए होटल राजस्थान तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अंदर और कुछ लाइट सा ही खाएंगे और फिर जाएंगे तो चलिए देखते हैं कि क्या मंगवाते हैं सूप पहले हम लोगों ने मंगवाया है तो तो आप देख सकते हैं कि छोटे से ब्लॉग में मैंने ये भी ऐड कर दिया तो ये नूडल्स हम लोग का आ गया है नूडल्स और फिर यहाँ वो रहा मशरूम चिली तो यही बेसिकली खाना हो गया हम लोगों का लाइट से ही कुछ खाना था और यहाँ हम लोग निकल रहे हैं फ्रॉम द होटल राजस्थान और यहाँ हम लोग आ गए हैं बाहर जाने वाले हैं घर तो हो गया है शूट कंप्लीट एंड व्लॉग इज अबाउट टू एंड और लास्ट में पिक्चर्स देखना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मैंने और पिक्चर्स अपलोड किए हैं तो आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं तो दीज आर दिक्चर्स ये आफ्टर मेकअप लुक है और ये ज्वेलरी शूट का पिक्चर्स है आप देख सकते हैं कुछ कुछ पोजेस का और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके मुझे और भी सारे पिक्चर्स देख सकते हैं मैं कुछ ही अपलोड की हूँ तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सुपर सुन मे बी दैट वुड बी अंटर हॉल ज्वेलरी हॉल एंड मै more haul will come so stay tuned also subscribe to my channel if you all are new here and do share this video with your near ones will see you in the next video till then stay safe take care bye bye